हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कुछ बोलो, गुड नाइट। अच्छा बोलो बोलो, हेलो ये बोलना था। हेलो, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आजकल ना हमारे आसपास बहुत भागवत चल रही है, एक दो नहीं चारों तरफ से आवाज़ आती रहती है और लोगों में इतना उत्साह है। और वो उत्साह कैसा है मैं बताती हूँ। जब उनको भागवत करानी होती है तो ढिचक ढिचक अजीब अजीब से गाने नेहा कक्कड़ के और जाने किस किस के लगा लगा के डांस करके निकलते हैं रैली निकाल के कि भागवत होने वाली है, चंदा वसूल करते हैं। और उसके बाद जब बीच में उन लोगों को टाइम मिलता है तो राधा कृष्ण की मूर्ति बिठा कर उसी रथ पर रात के टाइम में पूरी कॉलोनी में घुमाते हैं, उसमें भी उनकी वसूली होती है। और गाने क्या बजते हैं, बादशाह के, यो यो हनी सिंह के, मैं दिखाऊंगी। मेरे पास ना हमेशा कभी मोबाइल होता है ना तो मैं उसे कैप्चर कर लेती हूँ। और मुझे इतना अजीब लगता है कि भगवान आस्था के नाम पे कितना लूटते हैं और जो लोग देते हैं दान उनको कहाँ से आस्था उपजती है ये सब गाने सुन के। कम से कम भजन लगा देते, लव कुश वाला भजन लगा देते जो आजकल खूब चला था लॉकडाउन के टाइम में, वही लगा देते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों के यहाँ आजकल आए दिन होती है। प्लांट नहीं है चाचू, तुम्हें उल्लू बनाते हैं। अरे वो बहुत छोटे छोटे से एक पत्ती हुई है, ऐसे ऐसे वाइट कलर की, बहुत अच्छे फ्लावर है। वो पिंक कलर की, जैसे कि आपका ये बिंदी कलर की है ना, वैसी होती है। अच्छा ठीक है, हम बाद में देख लेंगे कॉटन प्लांट, तुम्हारे प्लांट और तुम्हारे चाचू के प्लांट, वही देखने तो आते हैं हम ऊपर। हाँ तो पहले बताओ, कल जो रैली निकली थी रात में ढिचक ढिचक जिससे पूरा फर्श हिल रहा था, किस चीज़ की थी वो रैली? कृष्ण भगवान की थी, लेकिन अब पुराने जमाने के भजन नहीं रहे ना, अब नए भजन ना गए, गाने कहीं बज रहे हैं कहीं बहुत कम भजन बजते हैं। अच्छा तो तुमको लगता है कि वो भजन बज रहे थे बादशाह के हैं? अरे नहीं, आज के गाने बहुत खराब खराब हो गए। अच्छा क्या खराब है आज के गानों में? हमें तो कोई खराबी नहीं लगती, सबसे ज़्यादा तो तुम नाच रहे थे, तुम कूद रहे थे, बताओ। देखा आप लोगों ने, इस तरह की रैली निकलती है और लोग आके पूछते हैं कि आप लोग आते क्यों नहीं है, दो घंटे के लिए भागवत सुनना चाहिए, इतनी मेहनत से हम लोग भागवत कराते हैं। दोस्तों अचानक से हम लोगों का जो है बाहर जाने का प्रोग्राम बना था किसी काम से, और वो काम होने में समय था तो हम लोगों ने जो है रानी दुर्गावती संग्रहालय देख लिया बाहर से ही, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। मैंने वो वीडियो शेयर किया और आप लोगों ने उसे इतना पसंद किया, अच्छा लगा, और मैं जल्दी ही दोबारा वहाँ जाऊँगी, समय लेकर जाऊँगी ताकि अच्छी तरह से एक चीज़ को देख सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना सुंदर बाहर की चीज़ें देख के लगा उतना ही अच्छा मुझे अंदर की चीज़ें देख के लगेगा, तो मैं जाऊँगी ज़रूर। सुना है वहाँ कुछ ग्रंथ वगैरह भी रखे हैं, तो देखती हूँ क्या क्या देखने का मौका मिलता है, तो आप लोगों के लिए बनाऊँगी वीडियो बिल्कुल प्रॉमिस से। और थैंक यू, आप लोगों के इतने सारे अप्रिशिएशन मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो दिन बन जाता है। सो दोस्तों मेरा हो गया है अपनी रसोई में जाने का टाइम, और आज की रेसिपी पहले से डिसाइडेड है कि मैं बनाने वाली हूँ तहरी, जिसकी रेसिपी मुझे उत्कर्ष के चाचू ने सिखाई है। मैं जब यहाँ आई थी तो वो हमेशा उसे बनाया करते थे और मुझे बहुत पसंद आती थी, तो वही मैं आज बनाने वाली हूँ। सब लोगों का खाने का मूड है और बनाने के बाद रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग भी बना के देखिएगा। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, मेरे यहाँ कुछ और बनता है, यहाँ पे कुछ और बनता है, लेकिन स्वाद गजब का निकल कर आता है। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सभी सब्जियां मैं अपनी तहरी में डालूंगी, और ये दलिया है, मूंगफली है, रोंगी है और पंजाबी बढ़िया है दोस्तों, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये दालें ले ली हैं, मसूर की दाल, रहर की दाल, दोनों तरह की मूंग की दालें हैं, और मैं इसमें इतना ही चावल ऐड करूंगी, चावल से ज़्यादा मैं दालों का उपयोग करती हूँ। सभी दालों को अच्छी तरह मिक्स करके भून लिया है, बढ़िया सब्जियों को काट के तड़का लगा दिया है दोस्तों।
अब इसमें तेज आंच पे 5-6 सीटियां बजाऊंगी, और अगर धीमी आंच होगी तो 3 सीटियां तो एटलीस्ट मैं बजाऊंगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें पकने में थोड़ा समय लगता है। मैं थोड़ा सा बीट रूट घिस कर इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसे हेल्दी बनाना है। और इसके साथ खाने के लिए घी है, अचार है, बिजोरे हैं और पापड़ हैं दोस्तों। बस हम लोगों का आज का डिनर यही रहेगा, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिजोरे हैं दोस्तों। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आज का व्लॉग कुछ खास नहीं था, जो भी रेंडमली मेरे आसपास हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और रेसिपी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन होता है किसी किसी दिन हम लोग खिचड़ी विचड़ी बनाकर खाते हैं, इसी तरह हर दिन चटर पटर नहीं चलता है और हेल्दी भी होता है। अगर किसी दिन आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह का हल्का फुल्का खाना खा लेना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ। आज का वीडियो मुझे खुद इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जो इन्जॉय किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया दोस्तों। हर दिन कुछ नया मैं कहाँ से लेकर आऊँ और इतना नया नया मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ, जो करती हूँ सब आपके सामने है। तो अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा दोस्तों। और एक बात और बता दूँ कि मैंने ये तो कह दिया कि मुझे ढिचक ढिचक और भागवत वगैरह ये इस तरह का अजीब अजीब का वातावरण अजीब लगता है, लेकिन मुझे अगर आसपास रामायण होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों 24 घंटे रामायण कान में पड़ती है, रात में भी आप जब भी आपकी नींद खुले तो आपको रामायण की चौपाइयाँ सुनाई देती हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी उसमें भक्ति रियली में जागृत होती है, क्योंकि उसमें कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती का दिखावा आडंबर नहीं होता है। तो मेरा केवल कहना इतना ही रहता है कि भाई आडंबर मुझे पसंद नहीं आता है, ये सब चीज़ें लोग अपनी आस्था विश्वास के साथ कराते हैं, तो वो दूसरों में जागृत भी होनी चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है, किसी की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं है, और मैं तो अपनी खुद की भी हंसी उड़ाती हूँ तो दूसरों की हंसी उड़ जाती है मुझसे ये मेरा स्वभाव है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गुड नाइट।